Assalamualaikum, नमस्ते सस्रिया कॉल, खुश आमदीद करता हूँ आपके अपने चैनल हसन सियालकोटी पर और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूज़, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कौन कौन से ऐसे दुनिया में कंट्री हैं जिनकी ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है और कौन कौन से ऐसे कंट्री हैं जिनमें दूसरी ज़ुबान के तौर पर स्पेनिश लैंग्वेज यूज़ होती है। तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिए, मैं आपको बताऊँगा कि दुनिया में जो स्पेनिश लैंग्वेज है वह कितनी कंट्री में बोली जाती है। तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिए। व्यूज, वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक नीचे और ऊपर ये आई कार्ड के ऊपर शो हो रहा होगा, वहाँ पर जाके आप हमें ज़रूर फॉलो कीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल है किसी कंट्री की वीज़ा पॉलिसी के मुतल्लिक, आप हमसे ज़रूर पूछिएगा जी। तो व्यूज़, जो स्पेनिश लैंग्वेज है वो ज़्यादातर जो यूज़ होती है वो साउथ अमेरिकन कंट्री जो हैं उनमें यूज़ होती है, लेकिन जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो स्पेन की है, उसे स्पेनिश कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन कौन से ऐसे कंट्री हैं जिनकी ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है, दूसरी ज़ुबान के तौर पर नहीं। जिस तरह पाकिस्तान की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो उर्दू है, लेकिन जो ज़्यादातर यूज़ होती है वो पंजाबी यूज़ होती है। तो जो सबसे ज़्यादा जो लोग बोलते हैं स्पेनिश वो बोलते हैं मेक्सिको में बोलते हैं, तो मेक्सिको है, कोलंबिया है, स्पेन है, अर्जेंटीना है, पेरू है, वेंजुएला है, चिली है, इक्वाडोर है, ग्वाटेमाला है, क्यूबा है, बोलीविया है, डोमिनिकन रिपब्लिक है, हंडारस है, पैरागोवा है, एक्सिलवाडोर है, निकारागोवा है, कोस्टारिका है, पैरारिका है, पनामा है और यूरागोवा। ये ऐसी कंट्री हैं जिनमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस के तौर पर जो लैंग्वेज है वो यूज़ होती है स्पेनिश। इसके अलावा कुछ कंट्री ऐसी हैं जिनकी ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो लैंग्वेज है वो स्पेनिश यूज़ होती है। जैसे आप कनाडा का कुछ ऐसे जो सूबे हैं, जो प्रोविंस हैं जिनमें यूज़ ही स्पेनिश लैंग्वेज होती है। उसके अलावा अमेरिका के कुछ, अमेरिका में दूसरी जो सबसे बड़ी ज़बान है वो स्पेनिश बोली जाती है इंग्लिश के बाद। उसके बाद अदर कंट्री भी हैं जैसे अर्जेंटीना, काफ़ी अर्जेंटीना की तो ऑफिशियल लैंग्वेज भी स्पेनिश है, और ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी ज़्यादा लोग स्पेनिश बोलते हैं, रशिया में काफ़ी ज़्यादा स्पेनिश बोलते हैं। दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान जो है वो स्पेनिश है। पहले नंबर पे जो ज़बान बोली जाती है वो है चाइनीज़ ज़बान, जो चाइना के जो ज़बान है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान है, क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा पाकिस्तानियों के भी काफ़ी ज़्यादा चाइनीज़ आती है। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान में चाइनीज़ ज़ुबान बोली जाती है कि नहीं। पाकिस्तान में स्पेनिश ज़ुबान मैंने आज तक किसी आदमी को नहीं देखा बोलते हुए, तो बोलता हो तो वो अलग एक बात है। अब बात करते हैं कि ये जो लैंग्वेज है वो कितने लोग बोल सकते हैं। ये जो ज़ुबान है ये बोलते हैं 44,24,76,007 आदमी बोल सकते हैं। ये सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर बता रहा है, कंट्री जिनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है उनकी रिपोर्ट के मुताबिक ये बता रहा है 2014 में ये मर्दमशुमारी की गई थी उसकी। तो अब देख लें आप जो है ना, 5 साल के बाद ये जो आंकड़े हैं ये हो सकता है कि ज़्यादा बढ़ चुके हों। तो स्पेनिश लैंग्वेज के बारे में अदर डिटेल जानने के लिए इसका जो लिंक है, विकिपीडिया का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। तो ये देखें व्यूज़, इन्होंने लिखा हुआ है, मैंने नीचे नहीं था देखा, ये इन्होंने लिखा हुआ है बलीज में भी काफ़ी ज़्यादा लोग बोले जाते हैं, उसके बाद एंडोरस में भी, साउथ अमेरिका में भी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भी, और फिलिपीन में भी, और कैरेबियन कंट्री में भी काफ़ी ज़्यादा जो लैंग्वेज है वो यूज़ होती है स्पेनिश। तो ये थी स्पेनिश के बारे में वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।